हेलो दोस्तों, एकेपी एकेडमी एजुकेशन अब में मैं विवेक स्वागत करता हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे लेक्चर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में लगभग 19 पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, उसी पे बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर जिन्होंने इस पहले लेक्चर को नहीं देखा है, पहले उसको जाके आप देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। मैं वीडियो का लिंक लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक ही गति पर ट्रेन ए एक स्थित ट्रेन बी को 35 सेकेंड में एक खंभे को 14 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है, स्थित ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला हम वही यूज करेंगे जो हमारे पास है। क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, यही तो है। अब देखिए हमें क्या पता है, एक ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है और देखिए ये 14 सेकेंड में एक खंभे को पार करती, पोल को पार करती, यानी कि कैसे? अब देखिए यहां से हम इसकी स्पीड निकालेंगे, कितना 280 बटे में 14, यानी 20 कितना है सेकेंड है और ये मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये हमें मिल गया मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें क्या बोल रहा है, ट्रेन ए एक स्थित ट्रेन बी को 35 सेकंड में पार करती है और ट्रेन ए की लंबाई कितनी है 280, यानी दोनों का एडिशन होगा। देखिए एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, ठीक है। अब इसकी कुछ लंबाई होगी, इसकी भी तो कुछ लंबाई होगी, तो अगर यहां से ये पास करेगी, ए यहां से चलेगी, तो ये डिस्टेंस तो कवर करेगी ना, यानी इसको पार करने में इसकी ये डिस्टेंस भी लगेगा, यानी इन दोनों का एडिशन होगा, यानी ए प्लस बी का डिस्टेंस जो मतलब लंबाई अपान में 35 सेकेंड, ठीक है। तो ए बी यानी कि देखिए बी यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है ना, तो इस डिस्टेंस को भी पार करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे जब आएगी उसके बाद इस पॉइंट को जब यहाँ पे ख़त्म करेगी तभी तो ये डिस्टेंस पूरा कवर करेगी, तभी तो हम ए कितना है, अब बी की लंबाई कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, तो इसके कितने हो गए 280 प्लस एक्स अपान में 35, स्पीड कितना हुआ 20, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू कितना 700 माइनस 280, x इक्वल टू 420 मीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 14 सेकेंड में पार करती है, यह 18 मिनट के प्रत्येक अंतराल के लिए 5 बार रुकती है। 18 मिनट के प्रत्येक अंतराल के लिए 5 बार रुकती है, वह 576 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लेगी? अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ जैसे यूनिट दी हुई है मीटर में और यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर में और सेकंड दिया हुआ है। तो पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें देखिए पहले क्या करना होगा, रेलगाड़ी की चाल निकालनी पड़ेगी। देखिए हमें यह 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, यानी 16 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी 320 अपान में 16, ये कैंसिल आउट 20, ठीक है 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या करना होगा, अब इसे किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, यानी कि 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5, ये कैंसिल आउट 4 टाइम्स, ये आएगा कितना 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए एक चीज देखिए, वह यह 18 मिनट के प्रत्येक अंतराल के लिए 5 बार रुकती है, तो मतलब 5 बार का मतलब 15:18 कितना हुआ 90 मिनट। अब इसको आवर में बदलिए, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, ठीक है, ये कैंसिल आउट 3/2, ये तो होगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, वह 576 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगी, 576 और स्पीड हमें इतना पता है, यानी 576 बटे में 72, ये कितने टाइम्स 8 टाइम्स। अब देखिए ये हुआ प्लस ये, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा, यानी 8 + 3/2, यानी 8 + 1 + 3/2, अरे 1/2, ये तो होगा। इसको अगर ऐसे करेंगे 8 × 16 = 16, 3 = 19, 19/2, यानी 9 1/2, ये तो आएगा। इसको भी वही करेंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन
इसका आंसर होगा 9:1/2, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है बट ठीक है, 9:1/2, ठीक है इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रमन अपने घर से पड़ोस के शहर में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया, ठीक है। घर वापस पहुंचने में उसे 1 घंटा ज्यादा लगा, प्रत्येक तरफ उसने कितनी दूरी तय की। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालनी होगी, देखिए हमें फॉर्मूला वही पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखिए हमें एक्स निकालना है, अगर दूरी दूरी को एक्स मान लें, ठीक है, तो एक्स निकालना है। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि पहले वो क्या कर रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ रहा है। अब देखिए तो क्या करना होगा, पहले वाले में कितने मतलब समय लगा, एक्स अपान में 50, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे एक्स अपान में 45, पहले 45 का मतलब बड़े से छोटे, छोटे में से इसको घटाते ना, बड़े को सॉरी बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना, ठीक है। तो माइनस एक्स अपान में 50 इक्वल टू दोनों का डिफरेंस कितना है, एक है ना। घर वापस पहुंचने में उसे 1 घंटा ज्यादा लगा, ठीक है, 1 घंटा ज्यादा लगा तो यही तो है 1 घंटा, तो दोनों का डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 450, ये टाइम्स आएगा 10 और ये जाएगा 9, ठीक है, और x कॉमन हो गया यहाँ पे तो इक्वल टू 1, ये कितना आएगा, x इक्वल टू 450 किलोमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर एक जगह जाता है और कम गति से वापस आता है, यदि औसत गति 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यदि कुल मिलाकर फिर वापसी की गति कितनी है। अब देखिए क्या करना है, देखिए हमें इसका एक फॉर्मूला पता है, देखिए एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने आपको एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपान में x प्लस y, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना दिया है, 6.4, अब 2 इंटू एक्स, कोई किसी को भी मान लीजिए, इंटू 16 इंटू y, वापसी का पूछ रहा है तो यानी y मान लीजिए इसे, ठीक है। अब देखिए 16 प्लस y, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.4 16 प्लस y इक्वल टू 232y, ठीक है। अब देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 102.4 प्लस 6.4y इक्वल टू 32y, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25.6y इक्वल टू कितना, 102.4, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 102.4 डिवाइडेड बाई 25.6 इंटू 5 इंटू 5, इसको कर लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 512 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 128, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, पॉइंट x और y एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर अलग है, ठीक है, यानी देखिए दो पॉइंट है, एक x है एक y है, ठीक है। एक कार x से और दूसरी कार y से उसी समय शुरू होती है, ठीक है। अगर कार एक ही दिशा में जाती है तो वे 5 घंटे में मिलते हैं, एक ही दिशा में जाती है तो 5 घंटे में मिलते हैं, यदि कार एक दूसरे की ओर जाते हैं तो वे 1 घंटे में मिलते हैं, तेज कार की गति क्या है। अब देखिए इन दोनों में किसी भी एक का मतलब ए मान लीजिए स्पीड, किसी मतलब फास्टर का मान लीजिए, फास्टर का ए है और स्लोअर का बी है, ठीक है, स्पीड की बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब हमें ये तो पता है ना, अगर ये दोनों कहाँ गए, यदि कार एक दूसरे की ओर जाते हैं तो वे 1 घंटे मिलते हैं, यानी कि दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, a प्लस बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1,
हमें डिस्टेंस यहाँ पता है ना, ठीक है। अब दोनों अगर एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ए माइनस बी अपान में बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए सिंपली, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू कितना 100, ए माइनस बी इक्वल टू कितना 20। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये किसके साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2a, 2a इक्वल टू 120, a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 60, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब b का क्या हो जाएगा, b का हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा था, तेज कार की गति क्या है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कांस्टेबल एक चोर का पीछा करता है जो कांस्टेबल से 200 मीटर आगे है। यदि कांस्टेबल और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं और 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः चलते हैं, ठीक है, मतलब दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, ये आपका दिया है कांस्टेबल का और चोर का दिया है 7, ठीक है। कांस्टेबल चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, अब देखिए क्या कैसे करते हैं इसे, देखिए फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में स्पीड, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें टाइम निकालना है ना, कितने समय में पकड़ेगा, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में स्पीड। अब देखिए दोनों इस सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड मतलब 200 मीटर हमारा डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ये होगा आपका 8 माइनस 7, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या होगा 7 किलोमीटर प्रति, इसमें से घटा देंगे, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में है, तो इसे क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, ये तो करेंगे मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना 720 सेकंड। अब इसे क्या करना होगा, अब इसे मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्टली आप यहां पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है, 720 सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो ट्रेन एक ही गति से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और वे 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, प्रत्येक ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसे, देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये दो ट्रेन एक ही गति से विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर। देखिए दोनों ट्रेन की हमें लंबाई पता चल गई, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, यहां से रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल टू कितना 2 × 120 डिवाइडेड बाय कितना 12 सेकंड, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए प्रत्येक ट्रेन की गति पूछ रहा है अलग अलग, यानी कि हमारे पास 2 हो गई, 2v, दो ट्रेन है ना, 2v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करना है, हमें किलोमीटर प्रति घंटे मतलब आवर में बदलना है, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, 18 डिवाइडेड बाई 5 से मल्टीप्लाई, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, यानी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा की ओर और 20 किलोमीटर धारा की दिशा में 4 घंटे में यात्रा करती है, शांत जल में नाव की गति और धारा की वर्तमान गति क्या है, क्रमशः क्या है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब धारा के प्रतिकूल मतलब कि अपस्ट्रीम क्या होगा, इसका अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, इसको इक्वल टू 24/6, यानी 4 कितना दिया है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए डाउनस्ट्रीम क्या होगा, डाउनस्ट्रीम हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा हमसे, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि स्टिल वाटर में देख पूछ रहा हमसे, यानी कितना होगा 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2, हमें डिस्टेंस देखिए दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है, यही तो है ये 2, ठीक है, यानी ये यहाँ से कितना आएगा 9/2 इक्वल टू कितना 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और पूछा है, धारा की वर्तमान गति,
तो क्या होगा, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें निकालना है यहाँ पे शांत जल में नाव की गति, हमें पता है धारा का प्रवाह कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक नाव 6 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 2 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। तो अब क्या करना है हमें, देखिए हमें धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और हमें एक चीज और पता है, ये 2 घंटे में वह प्रारंभिक बिंदु को वापस आती है, मतलब इसके बीच देखिए रिलेटिव वेलोसिटी होगी कुछ, ठीक है। अब तब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए हमें 6 किलोमीटर जाना है, 6 अपान में कितना, मान लीजिए शांत जल में नाव की गति क्या होगी, एक्स होगी, तो एक्स प्लस 4 प्लस, ठीक है, 6 अपान में एक्स माइनस 4, दो तो बनेगा ना, एक तो जाने का एक आने का, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितने, समय कितना लगा 2 घंटे का, ठीक है। अब क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है सीधे सीधे, देखिए कितना आएगा 6x-4 प्लस 6x+4 इक्वल टू कितना 2x²-16, ये तो होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 6x-24 प्लस 6x+24 इक्वल टू 2x²-32, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 12x = 2x²-32, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6x = x²-16, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, मतलब इसे और सिंपलीफाई कर देते हैं, x²-6x - 16 = 0, ठीक है। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके इतना है, तो x आप इसे सॉल्व करेंगे तो -8 और एक क्वेश्चन दूसरे ब्रैकेट में आएगा x-2, ठीक है, इक्वल टू 0, x = 8 और -2, यानी कि जो हमारी नाव की स्पीड होगी क्या होगी शांत जल में 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया है एक नौका की चाल धारा की दिशा में और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल कितनी है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, धारा की दिशा में देखिए यानी बोट प्लस वाटर इक्वल टू कितना स्पीड दिया हुआ है 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक चीज दिया, दूसरा क्या दिया हुआ है, बोट प्रतिकूल है, बोट एंड वाटर के कितना दिया 8 किलोमीटर पर आवर, ये तो दिया है। अब दोनों का क्या करना है, सॉल्व करना है सीधे सीधे, ये कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 2 बोट इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 22 है, बी इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर। हमें पूछा क्या है, धारा की चाल पूछा है यानी वाटर की, तो क्या करना होगा, यहाँ पे रखेंगे W और ये हो जाएगा 14-11 इक्वल टू W = 3 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका आंसर होगा 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें ये तो पता है कि शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है और यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए हमें मैन का पता है ना 4 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, अब अपस्ट्रीम क्या होगा इसका 4-2 = 2 किलोमीटर पर आवर, ये तो होगा, ठीक है। तो अब देखिए 10 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा, 10 किलोमीटर तैरने में अपस्ट्रीम डिवाइडेड 10/2 = कितना आएगा 5 आवर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, देखिए धारा की दिशा में चाल हम निकाल लेंगे कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 10 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में चाल हो गया ये, और धारा के प्रतिकूल
ठीक है, अप स्ट्रीम तो कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 5 ये वाला, ठीक है, कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर, ये तो होगा। अब देखिए सान जल में नाव का चाल पूछा है, तो दोनों का ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब इस पर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, थैंक यू।